हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीमीडिया। सो यार, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फिनिक्स के बारे में। वैसे तो फिनिक्स शब्द का इस्तेमाल आपने बहुत सारी मूवीज़ और एनिमेज़ में तो देखा ही होगा, पर फिनिक्स बर्ड रियलिटी में एक बर्ड है जो कि ग्रीक मैथोलॉजिकल क्रीचर है जो कि साइक्लिकली रीजनरेट हो सकती है। फिनिक्स बर्ड की मिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम अपनी वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू और जानते हैं फिनिक्स बर्ड की मिस्ट्री। फिनिक्स बर्ड एक ग्रीक मैथोलॉजिकल क्रीचर थी जो कि बहुत साल पहले पृथ्वी में पाई जाती थी। जो हमें इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिले वो इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर रहे थे कि फिनिक्स बर्ड कितने साल पहले पृथ्वी में पाई जाती थी। फिनिक्स बर्ड एक विशाल लाल कलर की चिड़िया थी जो ज़्यादातर गर्म इलाकों में पाई जाती थी। इस वजह से ये भी कहा जाता है कि फिनिक्स बर्ड की ओरिजिन इजिप्ट में हुई थी। फिनिक्स बर्ड की लाइफ लगभग 500 साल या 500 साल से ज़्यादा बताई जाती थी और फिनिक्स बर्ड शायद पूरी पृथ्वी की इकलौती ऐसी चिड़िया थी जो कि अपने आप को साइक्लिकली रीजनरेट कर सकती थी, जिसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में आगे डिस्कस किया हुआ है। फिनिक्स बर्ड एक ग्रीक मैथोलॉजिकल क्रीचर जो कि बहुत साल पहले पृथ्वी में पाई जाती थी। जो इससे रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंट्स मिले जब उसको पढ़ा गया तो ये पता चला कि जो फिनिक्स बर्ड थी वो लाल कलर की एक विशाल पक्षी थी। जो उसके पंख थे वो लाल कलर के थे और बहुत ही ज़्यादा शाइनी मारते थे। इस वजह से जब भी वो उड़ती हुई दिखती थी तो बहुत ही दूर से भी उसे पता लगाया जा सकता था कि वो जी हाँ वही पक्षी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी थी। और जब भी वो सूरज की रोशनी में आती तो वो और भी ज़्यादा तेज़ी से चमकने लगती, इस वजह से उसे सन को भी डिनोट करने लगी थी और कुछ लोग उसे द फायरी बर्ड के नाम से भी जानने लगे थे। आमतौर से फिनिक्स बर्ड लाल कलर की एक विशाल पक्षी थी। फिनिक्स बर्ड एक ग्रीक मैथोलॉजिकल क्रीचर थी जो कि बहुत साल पहले पृथ्वी में पाए जाते थे, जो कि शायद पृथ्वी के इकलौती ऐसी चिड़िया थी जो कि अपने आप को साइक्लिकली रीजनरेट कर सकती थी, यानी अपने आप को दोबारा से पुनर्जीवित कर सकती थी। फिनिक्स बर्ड ज़्यादातर गर्म इलाकों में पाई जाती थी, इस वजह से उसका ओरिजिन इजिप्ट में बताया जाता है। फिनिक्स बर्ड की औसत लाइफ 500 या 500 साल से ज़्यादा की बताई जाती है। और जब भी फिनिक्स बर्ड के मरने का समय आ जाता था तो वो अपने आप को जला लिया करती थी और एशेस में बदल जाती थी। और जो भी नई फिनिक्स बर्ड का ओरिजिन होता था तो वो ऐसा माना जाता था कि वो अपने पूर्वज की एशेस यानी जो राख बनी फिनिक्स थी उससे ही उगती थी। जहाँ तक बात करें कि फिनिक्स बर्ड मरती कैसी थी, तो यार उसका इससे रिलेटेड जो हमें टेस्ट मिला उसके अनुसार अगर फिनिक्स बर्ड अपने आप को जला लेती है और एशेस में बदल जाती है और नई फिनिक्स बर्ड के उत्पन्न होने से पहले वो डिकम्पोज हो जाती है एस पूरी तरीके से, तो फिनिक्स बर्ड की मृत्यु वहीं पर हो जा सकती है। फिनिक्स बर्ड एक ग्रीक मैथोलॉजिकल क्रीचर थी, इस वजह से ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि फिनिक्स बर्ड रियल है। पर कुछ राइटर्स ने फिनिक्स बर्ड को अलग अलग तरीके से दिखलाया, जैसे किसी ने चिड़िया के तौर से या फिर किसी ने अलग तौर से दिखाया और कहते हैं कि ये उसी फिनिक्स बर्ड का दूसरा रूप है। और जहाँ तक साइंटिस्ट की बात है तो साइंटिस्ट ज़्यादातर बिलीव नहीं करते फिनिक्स बर्ड की, क्योंकि कोई भी बर्ड शायद ऐसी नहीं है जो कि अपने आप को साइक्लिकली रीजनरेट कर सके। पर कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि फिनिक्स बर्ड ने शायद अपना रूप बदल लिया और वो ईगल के रूप में आ गई हो। और देखने से भी हमें यही लगता है कि फिनिक्स बर्ड और ईगल लगभग एक जैसे दिखते हैं। साइंटिस्ट कह सकते हैं कि फिनिक्स बर्ड ने अपना रूप बदल लिया हो, पर अभी तक ये नहीं क्लियर है कि फिनिक्स बर्ड रियल थी या अनरियल थी, बस इसके ऊपर थ्योरीज बनती रहती है। तो यार, आज हमने जाने ग्रीक मैथोलॉजिकल क्रीचर फिनिक्स के बारे में, पर यार इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे ग्रीक मैथोलॉजिकल क्रीचर्स हैं जिसके बारे में हमें अभी डिस्कस करना बाकी है। पर यार मेरे एक फ्रेंड है जिसका नाम है साइंटिफिक विजन, उसने ऑलरेडी टॉप 10 मैथोलॉजिकल क्रीचर्स के ऊपर वीडियो बना के रखी है और उसने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से मैथोलॉजिकल क्रीचर्स को डिफाइन किया है। तो यार उसके चैनल में प्लीज़ विजिट करिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप सब जाके देख सकते हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।